हेलो दोस्तों, दिस इज गर्दोलानी फ्रॉम जिगेशा क्लासेस। अगर आप CACET नवंबर 23 की तैयारी कर रहे हो तो बॉस ये वीडियो आपके लिए। अब हम CACET नवंबर 23 वालों के लिए एक योद्धा बैच ला रहे हैं, बट इस योद्धा बैच के बारे में समझाने के पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी रामबाण सीरीज को ग्रैंड सक्सेस दिया, आपने हमारी संजीवनी बैच को धमाकेदार बना दिया जो ऑलरेडी चल रही है, राइट। अब जो भी CACET नवंबर 23 स्टूडेंट है, आने वाले नवंबर में एग्जाम देने वाला है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये जो योद्धा बैच हम लोग ने नवंबर 23 CACET वालों के लिए बनाई है, इसकी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे को थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा। तो जो भी लोग CACET नवंबर 23 की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में मैं आपकी एक हेल्प करने आया हूँ। हम जेकेशा क्लासेस में 30 डेज का एक स्टडी प्लान लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टडी प्लान 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये प्लान मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस पूरे प्लान में हमने पूरे CACET के कोर्स को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको 30 डेज में डिवाइड कर दिया है। मजे की बात पता है क्या है, इस प्लान में आपको रोज टेस्ट देनी पड़ेगी, मतलब इन 30 डेज में आपसे 30 टेस्ट ली जाएगी। इससे भी मजे की बात पता है क्या है, इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ये योद्धा बैच एब्सोल्युटली फ्री बैच है। जैसे रामबाण बैच फ्री बैच थी, संजीवनी बैच फ्री बैच थी, वैसे ही योद्धा बैच भी एक फ्री बैच है। अब मैं आपसे सिर्फ कुछ चीज़ें डिमांड करना चाहता हूँ। यस, मैं डिमांड करना चाहता हूँ, पहला, 30 डेज जो भी प्लान मैं आपको समझाऊं, वो आप डेडिकेटली उसे अमल करेंगे, उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस 30 डेज में जो भी टास्क आपको दिया जाएगा वो आप टास्क उस दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि उसी टास्क के बेसिस पे आपसे उसी दिन टेस्ट ली जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, तो जैसे 1 अक्टूबर को हमारे प्लान में 1 अक्टूबर को बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 4 आपको पूरे दिन में पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 आपका पढ़ के हो गया, उसी दिन 1 अक्टूबर को रात को 9 बजे डेली टेस्ट, रात को 9 बजे, 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक, 9 to 9:15, ये एक टेस्ट प्लान की जाएगी जो टेस्ट आपको देनी है। ऐसा रेगुलरली 30 डेज तक होगा, विच मीन्स ऑल द सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन अक्रॉस 30 डेज टाइम। मतलब आपसे कोई भी चैप्टर छूटा नहीं जाएगा, आपसे किसी भी चैप्टर की टेस्ट छूटी नहीं जाएगी। तो आपका सारा चैप्टर भी कवर हो रहा है, सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है, और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी हो रहा है। आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ मैं योद्धा स्टडी प्लान की। ये देखो, ये 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ये आपका पूरा 5 अक्टूबर तक बिजनेस कम्युनिकेशन चल रहा है। फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश जो बिजनेस कम्युनिकेशन का हिस्सा है उस पे आ जाएंगे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाएगा आपका, फिर लीगल एप्टीट्यूड चालू हो जाएगा, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, और ICSI का नया इंट्रोडक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा। ये आपका ओवरऑल 30 डेज तक चलेगा, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके मन में होंगे कि सर, मैं जेकेशा स्टूडेंट हूँ तो क्या ये मेरे लिए भी है? अबे तेरे लिए तो है ही है। जो नॉन जेकेसी स्टूडेंट्स है, ये तुम ध्यान से सुनना, नॉन जेकेसी स्टूडेंट इस टेस्ट का, इस स्टडी प्लान का, प्लस योद्धा बैच में जो यूट्यूब पे रिवीजन आएंगे या कुछ ऑफलाइन रिविजन्स हम लोग बॉम्बे में प्लान करने वाले हैं, अगर इन सब चीज़ों का बेनिफिट किसी नॉन जेकेसी को लेना है तो वो बेचारा कैसे ले। तो टू एवरी नॉन जेकेसी स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज, डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा प्लानर मिलेगा, नोट कर देना। जेकेसी स्टूडेंट तो वैसे भी डाउनलोड करेंगे ही है, बट जो नॉन जेकेसी है आपको डाउनलोड करके रख देना इसे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना। जो भी स्टूडेंट्स 30 सितंबर के पहले, आई रिपीट 30 सितंबर के पहले, जो भी नॉन जेकेसी स्टूडेंट ये फॉर्म फिल करता है उसे
फर्स्ट अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर सारी टेस्ट देने का बेनिफिट मिलेगा। प्लस जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, 30 अक्टूबर को हमारा प्लानर खत्म हो जाएगा, तो 1 नवंबर को हम लोगों ने एक ऑल इंडिया प्रीलियम रखा है शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये प्रीलियम देने का भी आपको एडवांटेज मिलेगा। जब आप गूगल फॉर्म फिल कर दोगे, गूगल फॉर्म की डेटा जब हमारे पास आएगी, उसी डेटा पे हम आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजेंगे, जिस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाओगे, और उस टेलीग्राम चैनल नाम रखा जाएगा योद्धा बैच। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर योद्धा बैच रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज, सारी ऑफलाइन रिवीजन की डिटेल्स, यूट्यूब पे वो रिवीजन कब आएंगे उसकी डिटेल्स, और सीएसईटी नवंबर 23 एग्जाम रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसमें रिकरिंगली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि सर मुझे कोई लिंक नहीं पहुंची, या सर मुझे कोई डाउट है, मैंने टेस्ट दिया बट रिजल्ट नहीं आई, क्योंकि हर दिन आप जो टेस्ट दोगे उसकी रिजल्ट इंस्टेंटली आपको आ जाएगी, तो मेरे को रिजल्ट नहीं आई। अच्छा, एक और बात, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले मतलब ठीक 9 बजे ये टेस्ट सीरीज चालू होगी और 9:15 बजे बंद हो जाएगी। मतलब स्टूडेंट कैनॉट अपियर फॉर द टेस्ट आफ्टर 9:15, इरिस्पेक्टिव दैट स्टूडेंट इज जेकेसी स्टूडेंट और दैट स्टूडेंट इज नॉन जेकेसी स्टूडेंट। ये 15 मिनट की टेस्ट चलेगी और हर टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर जो आपको असाइन किया गया था उस दिन पे। ठीक है, अब अगर सर मेरे को टेस्ट पेपर नहीं आया, या सर मेरे पास टेस्ट पेपर तो आया बट रिजल्ट नहीं आई, सर मुझे योद्धा बैच रिलेटेड कोई डाउट है, तो इज देर एनी हेल्पलाइन नंबर जिससे मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ ओवर व्हाट्सएप? सर यस, एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर रिलेटेड टू योद्धा बैच, आप इसे योद्धा बैच नंबर या योद्धा बैच हेल्पलाइन नंबर करके भी सेव कर सकते हो। नंबर है 7304454712। आई रिपीट, 7304454712। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, जो भी नॉन जेकेसी स्टूडेंट है, मेक श्योर यू फिल द गूगल फॉर्म विच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन ऑल्सो द पिंड कॉमेंट बिफोर 30 सेप्टेम्बर। इफ़ यू डू नॉट फिल द फॉर्म बिफोर 30 सेप्टेम्बर, बाद में आपकी शायद एंट्री को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर देना। अब सर कोई रिवॉर्ड विवॉर्ड स्कीम है? व्हाट इफ अगर मैंने 30 की 30 टेस्ट अपीयर की और तो बाकी बच्चों से हाईएस्ट आया, तो कुछ रिवॉर्ड प्लान किया आप लोगों ने? यस, एक कंडीशन है रिवॉर्ड के लिए, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो स्टूडेंट 30 की 30 टेस्ट अपीयर करता है, आई रिपीट कोई भी टेस्ट मिस होनी नहीं चाहिए, 30 की 30 टेस्ट अपीयर होनी चाहिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे उनमें से जिस भी स्टूडेंट को आउट ऑफ ऑल द 30 टेस्टेस, विच एवर स्टूडेंट स्कोर द हाइएस्ट मार्क एंड विच एवर स्टूडेंट स्कोर द सेकेंड हाइएस्ट मार्क, दोज बोथ स्टूडेंट्स विल बी रिवॉर्डेड। उन दोनों को एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब सर कैसे पता चलेगा और ये कब पता चलेगा रिवॉर्ड दिया जाएगा? तो जब हम 1 नवंबर और 2 नवंबर को सारे स्टूडेंट्स की रिजल्ट का डेटा निकालेंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारी टेस्ट अपीयर की है। रिवॉर्ड की सबसे बड़ी कंडीशन ये कि आपको सारी टेस्ट अपीयर करनी है, तो जिसने भी सारी टेस्ट अपीयर की है उन सारी टेस्ट में से जिसको भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आइए हर टेस्ट में, उसे रैंक 1 और रैंक 2 में डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ऑफिशियल JKCCS चैनल, ये यूट्यूब चैनल, इस पे योद्धा बैच के रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं। ऑल्सो बॉम्बे में कुछ जगहों पे, जैसे बोरीवली, मुलुंड, दादर, इन सब जगहों पे ऑफलाइन रिवीजन्स भी कंडक्ट होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नॉन JKC स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी, फील फ्री टू कम्युनिकेट विथ अस ऑन द गिवन हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू सो मच। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। मैं आपको एक गारंटी सकता हूँ,
अगर आपने रिलीजियसली योद्धा बैच को फॉलो किया, आप CSET से CS एग्जीक्यूटिव जाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट अगर आपने रिलीजियसली योद्धा बैच को फॉलो किया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू स्कोर मिनिमम 150 टू 160 मार्क्स इन योर CSET एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।